हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एनाटॉमी के पेपर सेकंड का रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक्स लंग्स और ब्रोंकियल ट्री को कवर करेंगे। इसके पहले हमने एनाटॉमी के बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी और आयुर्वेद रचना शरीर के सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, तो आप उसको आवर डिजिटल लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंग्स, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद लंग्स को फुफ्फुस बोलते हैं, जिसका ओरिजिन आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान के अध्याय 4 में शोणित फेन प्रभा फुफ्फुसा बोला है। अष्टांग संग्रह शारीरिक स्थान के अध्याय 5 में रक्त फेनात फुफ्फुसम बोला गया है और अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान के अध्याय 3 में फुफ्फुसो रक्त फेंजा बोला गया है। इन तीनों का मतलब होता है कि फुफ्फुस या लंग्स की उत्पत्ति रक्त के फेन भाग से होती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। सिस्टम ऑफ ऑर्गन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, प्राणवाह स्रोत के अंतर्गत आता है और इसकी सिचुएशन की बात की जाए तो द लंग्स आर अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। ईच लंग इन्वेजिनेट्स द करस्पॉन्डिंग प्लूरल कैविटी, दोनों लंग्स प्लूरल कैविटी से पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं। द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय द मीडियास्टिनम, दोनों लंग्स मीडियास्टिनम से सेपरेट होते हैं और मीडियास्टिनम में हार्ट लाई करता है। द लंग्स आर स्पॉन्जी इन टेक्स्चर और लंग्स का जो टेक्स्चर है वो स्पॉन्जी होता है। अब हम इसके जनरल फीचर्स देखते हैं। लंग्स नंबर में 2 होता है, शेप कोनिकल होता है, वेट राइट लंग का 625 ग्राम और लेफ्ट लंग का 565 ग्राम होता है। लेफ्ट लंग का इसलिए कम होगा क्योंकि यहाँ पर हार्ट के लिए जो कार्डियक नॉच वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, ये जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसकी वजह से ये लंग का वेट थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। कलर चाइल्ड में पिंक कलर का और यंग में ब्राउन और ग्रे कलर का, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, और टेक्सचर स्पॉन्जी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स के स्पेशल फीचर्स की। राइट लंग और लेफ्ट लंग के फीचर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ लोब्स और फिशर में डिफरेंस होता है जो कि हम आगे देखेंगे। अभी राइट लंग की बात की जाए तो ये शॉर्टर और ब्रॉडर होता है, जिसमें एपेक्स बेस 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस, 3 लोब्स और 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है एपेक्स, ये जो पार्ट आपको ऊपर शो हो रहा है ये होता है एपेक्स। एपेक्स इज ब्लंट एंड लाइज अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब। एपेक्स ब्लंट होता है, फर्स्ट रिब के अबव लाई करता है और ये मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच अबव होता है। एपेक्स जो होता है वो सर्वाइकल प्लूरा और सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। नेक्स्ट बेस, ये जो पार्ट आपको शो हो रहा है नीचे, ये होता है बेस। बेस जो होता है वो सेमी लूनर और कॉनकेव होता है और ये डायफ्राम के अबव लाई करता है। बेस जो है वो राइट लंग को राइट लोब ऑफ लिवर से डिस्टिंग्विश करता है और लेफ्ट लंग को लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, फंडस ऑफ स्टमक और स्प्लीन से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। लंग्स में 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर जो कि आपको डायग्राम में शो हो रही है, सेकेंड होती है पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि बैक साइड पे लाई करती है और थर्ड होती है इंफीरियर बॉर्डर जो कि नीचे साइड प्रेजेंट होती है। एंटीरियर बॉर्डर जो होती है वो वेरी थिन होती है और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग शोज अ वाइड कार्डियक नॉच बिलो द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज, जैसा कि आपको लेफ्ट लंग के डायग्राम में शो हो रहा होगा। इसकी एंटीरियर बॉर्डर यहाँ जाकर कार्डियक नॉच बनाती है, इस कार्डियक नॉच में हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि अबाउट द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। द हार्ट एंड पेरिकार्डियम आर कवर्ड बाय द लंग इन द रीजन ऑफ दिस नॉच, यहाँ पर हार्ट होता है तो वो हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम से अनकवर्ड होता है इस रीजन में। सेकेंड आती है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये थिक और इल डिफाइंड होती है और ये एक्सटेंड करती है C7 से T10 स्पाइन तक।
थर्ड आती है इंफीरियर बॉर्डर जो कि सेपरेट करती है बेस फ्रॉम द कोस्टल एंड मीडियल सर्फेसेस। अब हम बात करते हैं लंग्स के सरफेस की जो कि दो होती हैं। फर्स्ट है कोस्टल सरफेस और सेकेंड है मीडियल सरफेस, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। कोस्टल सरफेस जो होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होती है और लार्ज और कॉन्वेक्स होती है। कोस्टल सरफेस में रिब्स और इंटर कोस्टल स्पेसेस के दो इंप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सरफेस की बात की जाए तो मीडियल सरफेस दो पार्ट में डिवाइड की गई है, वर्टिब्रल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, और मीडियास्टिनल पार्ट या फिर एंटीरियर पार्ट। वर्टिब्रल पार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन पोस्टीरियर बॉर्डर टू द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ मीडियास्टिनम। इनके इसके रिलेशंस हैं, मतलब कौन सी चीज इससे रिलेटेड है, वो है वर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स एंड द स्प्लैंकलिक नर्व्स। सेकेंड पार्ट ऑफ मीडियल सर्फेस इज मीडियास्टिनल, फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर टू पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ मीडियास्टिनम, ये मीडियास्टिनल सर्फेस प्रेजेंट होती है। इसके इंप्रेशन और रिलेशंस की बात की जाए तो राइट एट्रियम एंड ऑरिकल, स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना केवा, राइट ब्रोंकियोसिफिलिक वेन, एजाइगस वेन, इसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, ट्रैकिया, राइट वेगस नर्व और राइट फ्रेनिक नर्व मीडियास्टिनल सरफेस से रिलेटेड होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोब्स ऑफ राइट लंग की। तो राइट लंग में तीन लोब्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। जो सुपीरियर और मिडिल लोब होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फिशर के द्वारा सेपरेट होते हैं, और जो मिडिल लोब और इंफीरियर लोब होते हैं वो ऑब्लिक फिशर के द्वारा सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली टाइम पूछा जाता है वो है रूट ऑफ द राइट लंग। राइट लंग से कौन सी चीजें पास हो रही है, या तो ओरिजिनेट होती है या इंसर्ट होती है, उसको रूट कहा जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल ब्रोंकस, जिसमें इप आर्ट्रियल ब्रोंकाई और हाइप आर्ट्रियल ब्रोंकाई आती है, वन पल्मोनरी आर्ट्री, टू पल्मोनरी वेन्स सुपीरियर और इन्फीरियर, पल्मोनरी प्लेक्सिस एंटीरियर और पोस्टीरियर, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड और ब्रोंकियल वेसल्स जिसके अंदर ब्रोंकियल वेन और ब्रोंकियल आर्टरीज आती हैं, ये सब जो पार्ट्स हैं वो रूट ऑफ राइट लंग के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में भी शो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट लंग की। लेफ्ट लंग लॉन्गर और नैरोअर होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता राइट लंग के कंपेरिजन में। एपेक्स, बेस, बॉर्डर सेम होती है। सरफेस भी दो होती है, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस और वर्टिब्रल सरफेस के बारे में सेम है, बस मीडियास्टिनल सरफेसेस के जो रिलेशन है वो डिफरेंट होते हैं राइट लंग के कंपैरिजन में, और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। मीडियास्टिनल के रिलेशन में पल्मोनरी ट्रंक, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेक्सिक एओर्टा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक डक्ट, एसोफेगस, लेफ्ट ब्रोंकियोसिफिलिक वेन, लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट लैरिंजियल नर्व और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इनफंडिबुलम और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल आते हैं। दोनों लंग्स के जो मीडियास्टिनल रिलेशन है उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट बात की जाए तो लेफ्ट लंग में दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इंफीरियर लोब। दोनों लोब्स ऑब्लिक फिशर से सेपरेट होते हैं, ये डिफरेंस होता है राइट लंग और लेफ्ट लंग में। नेक्स्ट पार्ट आता है रूट ऑफ लेफ्ट लंग, ये भी राइट लंग से डिफरेंट होता है, इसलिए इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रिंसिपल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, एरियोलर टिश्यू, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी प्लेक्सिस, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड और ब्रोंकियल वेसल्स आती हैं, जिसके अंतर्गत ब्रोंकियल वेन और टू ब्रोंकियल आर्टरीज आती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। नेक्स्टली एक टर्मिनोलॉजी आती है लिंगुला। द टंग शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ द लेफ्ट लंग बिलो द कार्डिक नॉच इज कॉल्ड लिंगुला। जो लेफ्ट लंग में कार्डिक नॉच के नीचे ये जो टंग शेप्ड का प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं लिंगुला। ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो लंग्स को ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है, राइट साइड में वन ब्रोंकियल आर्टरी होती है और लेफ्ट साइड में टू ब्रोंकियल आर्टरी होती है।
वेनस लेनेज ब्रोंकियल वेन ट्रेन करती है राइट लंग की एजाइगस वेन में और लेफ्ट लंग की हेमियाजाइगस वेन में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी और आर्टरी के द्वारा ले जाया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की जाए तो सुपरफिशियली पेरिफेरल लंग टिश्यू और डीप लिम्फेटिक्स जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। पैरासिम्पेथेटिक में से वेगस नर्व नर्व सप्लाई करती है और सिंपेथेटिक में सेकेंड टू फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट्स। लंग्स के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्रोंकियल ट्री। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है इसमें ये एक ट्री लाइक के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्योंकि इससे ब्रांचेस वगैरह राइज से होती हैं, इसलिए इसे ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। ब्रोंकियल ट्री में ट्रैकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इंटू टू प्राइमरी ब्रोंकस। देन दीज प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इंटू सेकेंडरी ब्रोंकस देन टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकस। अब ये टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकस जो है वो टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डिवाइड होकर एल्वियुलर डक्ट एट्रिया एयर सैक्यूल और द लास्ट पार्ट एल्वियोलाइट फॉर्म करते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक के पार्ट को एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रैंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो इसके बारे में बात की जाए तो ये वेल डिफाइंड एनाटॉमिक फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर ऑफ लंग होता है। पिरामिडिक शेप में होता है और हैज अ सेगमेंटल ब्रोंकस सेगमेंटल आर्टरी सेगमेंटल वेन ऑटोनॉमिक नर्व एंड लिम्फ वेसल्स इसमें होते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ राइट लंग, ये जो पार्ट आपको शो हो रहा है ये है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ राइट लंग जो कि राइट अपर पार्ट राइट मिडिल पार्ट और राइट लोअर पार्ट में डिवाइड होता है। राइट अपर पार्ट के अंदर एपिकल पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट आता है, मिडिल लोब में लेटरल और मीडियल पार्ट आता है और लोअर लोब में सुपीरियर एंटीरियर मीडियल लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट आते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट लंग के लिए ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लंग होते हैं जिसमें अपर लोब में एपिकल पोस्टीरियर एंटीरियर सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर पार्ट आते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है और लोअर लोब के लिए सुपीरियर मीडियल एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट आते हैं। तो ये था हमारा ब्रोंकियल ट्री और लंग्स का डिस्क्रिप्शन। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस for more videos of anatomy.